ચૂંટણીના બે દિવસ પૂર્વે પૂર્વ ક્રિકેટર નયન મોઘિયાએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી અને તેમાં જણાવ્યું હતું કે બીસીએના રાજકારણમાં રસ નથી પરંતુ ક્રિકેટમાં રસ છે. બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણીના પગલે રોયલ રિવાઇવલ જૂથો વચ્ચે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપોની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે. છેલ્લા બે દિવસથી ગાજેલા વિવાદ અંગે પૂર્વ ક્રિકેટર નયન મોઘિયાએ મૌન તોડતા પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે હું કોઈ જૂથ સાથે નથી, મને બીસીએના રાજકારણમાં નહીં પરંતુ ક્રિકેટમાં રસ છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ વિકેટકીપર નયન મોઘિયાએ રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે 6 વર્ષથી જુનિયર ક્રિકેટ ક્વોલિફાય ના થતાં કિરણ મોરે અને રાકેશ પરીખે મારો સંપર્ક કર્યો હતો. જુનિયર ક્રિકેટરોને મજબૂત કરવા માટે તેઓએ મને ફ્રી હેન્ડ આપવાની વાત કરી હતી. તેમ છતાં જુનિયર ક્રિકેટરોને સુધારવા માટે હું બીસીએમાં મારા મુજબ કામ કરી શક્યો ન હતો. સુવિધા અને સ્ટાફની માંગણી પણ સ્વીકારી ન હતી. ક્રિકેટ સુધારવા માટે કેટલાક ટફ કોલ લેવાયા ન હતા. પાણી માથા પરથી જવા લાગ્યું એટલે 3 વાર બીસીએ છોડ્યું હતું. હું કોઈ ગ્રુપમાં નથી. બીસીએના રાજકારણ સાથે પણ મને કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ બીસીએના ક્રિકેટ સાથે મારે ચોક્કસ લેવા દેવા છે. જેના માટે જરૂર પડશે ત્યારે હું હાજર રહીશ, તેમ નયન મોઘિયાએ જણાવ્યું હતું. देखिए, एक वो बिल्टअप होते जाता है. अगर आपको सौंपा गया है, पहले कहा गया था कि आपका ये बेबी है 16-19, आप सब कुछ चलाओगे. फिर इनका इंटरनल पॉलिटिक्स होता है. 2 महीने तक मुझे लेटर नहीं दिया जाता. प्रणव अमीन इंटरफियर करते हैं, उसके बाद वो लेटर दिया जाता है कंसल्टेंट का. कंसल्टेंट का रोल मैंने जो आपको दिया है वो उसमें डिफाइन किया गया था. सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करना, किस तरह जूनियर क्रिकेट खिलाना, वो सब कुछ उनको कहा गया था. 2 महीने तक मुझे लेटर नहीं मिला. जब तक कोई एक पेरेंट्स यहाँ पर ऑफिस में आया कुछ सामान लेने, उन्होंने बोला कि टूर्नामेंट चालू हो गई. तब मैंने प्रणव अमीन को बोला कि इस तरह की बात है, क्या बात हुई? तो बोले मुझे मालूम नहीं है, आपका मैं पता करके बताता हूँ. प्रणव अमीन फिर मेरे को मैसेज करता है, अमर पेटी वाला से बात करता है, स्नेहल से बात करता है, वो उनका रिजॉल्व करता है जो डिफरेंसेज है 2 सेक्रेटरी के बीच में. और फिर वो मुझे एक लेटर दिया जाता है 1 मई को, वो है. और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे विंग्स आपके कट कर दिए जाते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते. ये जब शुरू में कहा गया था कि आपका बेबी, आप सब कुछ करोगे, पर धीरे धीरे आपके हाथ पैर काट दिए जाते हैं. तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जितना हो सके मौका मिला है हम जूनियर क्रिकेट को हेल्प करेंगे. पर जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है, जब बीसीसीआई की टूर्नामेंट 15-20 दिन है, उसके पहले आपको असिस्टेंट कोच चेंज किया जाता है, जब आपकी फीस आपकी मांगी जाती है 6 महीने बाद, आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता. जब आप किसी प्लेयर की प्रपोज करते हो एज ए मेंटोर या बताते हो कि इस ये अच्छा है, आप इसे कंसीडर कीजिए, आप इसे मौका दीजिए, लो मत, आप उसको मौका दीजिए, वो रिजेक्ट किया जाता है. तो फिर मैंने बोला अगर किसी बात में उनको सुनना ही नहीं है मेरा, तो उससे बेहतर है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, उनको ही चलाना है. वो बोलते कि मैं डिक्टेटर हूँ. मेरे ख्याल से डिक्टेटरशिप उन्होंने मेरे पर लगाई हुई थी, पाबंदी तो उन्होंने मेरे पर लगाई हुई थी कि ये करना है. મેરી કોઈ ભી માંગણી નહીં હૈ, મેરી કોઈ અપેક્ષા નહીં હૈ. આજ જૈસે પ્રણવ અમીનજીને બોલા કે મેં કઈ બાર આયા કઈ બાર ગયા, આજ ભી બુલાયેગે, આજ ભી જાઉંગા, ક્રિકેટ કે લિયે જાઉંગા, બરોડા ક્રિકેટ કે લિયે જાઉંગા. કભી ભી જરૂરત હોગી બરોડા ક્રિકેટ કે લિયે જાઉંગા, કિસી પર્સનલ કે લિયે નહીં જાઉંગા. પર ઉનકો અગર એક્સપર્ટીઝ લગતી હૈ કે મેરે મેં વો એક્સપર્ટીઝ હૈ, तो वो एक्सपर्टीज उनको सुननी पड़ेगी. आप इतने साल से क्रिकेट चला रहे हो, आप 6 साल से हो, 6 साल से क्रिकेट की क्या हालत हुई है वो सभी दुनिया को मालूम है, सभी बड़ौदा वासियों को मालूम है, सभी प्लेयर्स को मालूम है. इसके लिए आपने मुझे बुलाया. अगर वो आपको सही करना है तो आपके कड़वे डिसीजन, टफ स्टैंड लेने पड़ेंगे. बहुत सिंपल है, वो उनको सोचना है, वो उनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है. अगर आपको उनको सुधारना है तो आपको टफ स्टैंड लेने पड़ेंगे. वो टफ स्टैंड नहीं लेते तो इसका वजह यही है. अच्छा, एक एलिगेशन ऐसा है कि प्रोफेशनल फीस के लिए आपको पेड नहीं की है, कि जो फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए वो फॉर्मेट में बीसीए को रिपोर्ट नहीं मिला है. बीसीए ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना मुझे फॉर्मेट दिया है. जब मेरी मैंने गुजारिश की, जब मुझे एडवांस टैक्स भरना था, जब GST भरना था, तभी मैंने उनसे गुजारिश की कि 6 महीना हो चुका है, आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह इनवॉइस बनाना है और कितने अमाउंट का बनाना है. मैंने अमाउंट भी नहीं, इस पॉलिटिक्स में मैं गिरना नहीं जाऊंगा. जैसे मैंने शुरू में कहा, आज फिर वो बुलाएंगे, फिर मैं जाऊंगा क्रिकेट के लिए. कोई भी बुलाएगा, कोई मुझे
बीसीए के इलेक्शन और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ बीसीए के क्रिकेट में इंटरेस्ट है। जभी जभी मेरी सर्विस जरूरत पड़ेगी तभी तभी मैं देने को तैयार हूँ। अगर उनको लगता है कि मैं सही आदमी हूँ, वो मुझे बुलाए, मैं करने को तैयार हूँ। मैं सामने से गया नहीं हूँ। राकेश परीख, किरण मोरे ने बुलाया तभी मैं उनके पास गया। उन्होंने स्नेहल परीख और प्रणव अमीन से बात की, उनकी ऑफिस में मुझे बुलाया और ये सब चर्चा हुई है। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा किरण मोरे को, जो इतने स्तर पर क्रिकेट खेले हुए हैं, राकेश परीख जो जूनियर नेशनल सिलेक्टर है, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरी गलती क्या है वो बताए, मैं सही दिशा में था या नहीं था। उनको बाहर आके सपोर्ट करना चाहिए, आज क्रिकेट को, बड़ौदा क्रिकेट के लिए सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप मानते हो, आप स्पष्ट रूप से, कि जो कार्य पद्धति है अभी जो बीसीए में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आप नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव मेरा काम नहीं है, ना मैं बीसीए कभी गया हूँ, ना कभी मैंने उनको स्टेडियम के ग्राउंड के बारे में पूछा है। मैंने हमेशा क्रिकेट ग्राउंड और क्रिकेट विकेट की बात की है, क्रिकेट की बात की, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। रॉयल ग्रुप समरजीत गायकवाड़ ने मुझे बुलाया कि हम क्रिकेट के बारे में बात करना चाहते हैं, हम क्रिकेट आपको देना चाहते हैं, आप हमारा क्रिकेट आके संभालिए। मैंने बोला खुशी खुशी आऊँगा। आज रिवाइवल ने को बुलाता, प्रणव अमीन बुलाते, उधर भी जाता तो भी मैं यही बोलता। अच्छा, तुमने लागे जाके कि ये गलत हो रहा है, ये आपको कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ये सत्य है। अगर आपको क्रिकेट सुधारना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्यों नहीं बुलाया उन्होंने मुझे? मैं उनसे नाराज तो हूं नहीं, मुझे प्रणव अमीन से नाराजगी है नहीं। अगर नाराजगी होती तो मुझे बुलाए, मैं उनसे मिला, रेजिग्नेशन के बाद भी मिला, उनको सारा रिपोर्ट दिया। उन्होंने बोला कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, मुझे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिया, रिपोर्ट पढ़ा भी नहीं। वहां उन्होंने बोला कि प्लीज आई ट्रस्ट यू, आई नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विथ यू, दैट इज व्हाट ही हैज सेड। आई एम सेइंग वर्ड टू वर्ड एंड आई फोल्डेड माय टू हैंड्स एंड सेड देयर आर टू फैमिलीज, प्रोमिनेंट फैमिलीज इन बड़ौदा, प्लीज कम अक्रॉस द टेबल एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, अदरवाइज एसोसिएशन इज गोइंग टू द डॉग्स। क्योंकि बाकी के जो है वो आपका फायदा उठा रहे, वो उनको समझना चाहिए। તમને શું લાગે છે કે હવે બીસીએ ના આવતા અંદર દિવસો માટે રોયલ અને રિવાઇવલ ના બેમાંથી કોણ સૌથી બેસ્ટ બીસીએ ને હાઈટ પર લઈ જશે? વો મેમ્બર્સ બતાએગે, મેમ્બર્સ કે સામને પૂરા ચિટ્ટા હે 6 સાલ કા, મેમ્બર્સ હેવ ટુ ડિસાઈડ, નોટ મી, ઇઝ ધ બીસીએ મેમ્બર હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડિસાઈડ વોટ ઇઝ રાઈટ વોટ ઇઝ રોંગ। आई हैव पुट माई वर्ड फॉर ए क्रिकेट, जो इन्होंने एलिगेशन लगाया उसका मैंने क्लेरिफिकेशन दिया है। मैं डिक्टेटर नहीं था, उन्होंने डिक्टेटरशिप की और उन्होंने जो मुझे बोला वो वैसा करना चाहते थे, वो लिबरल नहीं थे।